तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं लेक्चर। इलेक्ट्रोस्टेट का जो बचे हुए क्वेश्चन थे, तो इसमें देखो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है, कुछ बच्चों को इसमें डाउट आता है। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, वो थ्री डायमेंशनल है, थ्री डी स्पेस में एक्स वाई और जेड में है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहता है कि एक क्यूब रखा हुआ है, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज विद इन द क्यूब इज एन टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एन टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ एन की वैल्यू क्या होना चाहिए, क्यूब की डायमेंशन वन मल्टीप्लाइड बाई टू और थ्री यहाँ से दिया हुआ है, जबकि यहाँ कोऑर्डिनेट में भी दिखाया हुआ है। तो सबसे पहले देखो, अगर मुझे इसके अंदर क्यूब के अंदर चार्ज चाहिए, तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने के लिए अगर मुझे क्यूब के अंदर चार्ज चाहिए तो गॉस थ्योरम से मैं गॉस थ्योरम लगा दूँ। गॉस थ्योरम, तो क्यूब एक क्लोज सरफेस है, बंद सरफेस है, तो फाई नेट नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब इसके अंदर जो चार्ज आएगा वह जाएगा एप्सिलॉन नॉट फाई नेट के मल्टीप्लिकेशन। तो कितना फ्लक्स इस क्यूब से पास हो रहा है इसको मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो फील्ड थ्री डायमेंशनल है, तो एक्स एक्सिस में जो फील्ड देखोगे, ठीक है, तो एक्स एक्सिस में अगर फील्ड देखोगे तो ये जो फील्ड है वो टू एक्स स्क्वायर आई कैप से वेरी करता है। मतलब जब एक्स की वैल्यू जीरो है तो फील्ड की वैल्यू कितनी है, जीरो है। तो यहाँ पर देखो इस पॉइंट पर एक्स की वैल्यू वन है, तो ये जो प्लेन है, जो सामने वाला प्लेन है, ठीक है, ये देखो यहाँ पर फ्लक्स थ्रू द, यहाँ मैं लिख दूँ फ्लक्स थ्रू ये जो है फ्लक्स थ्रू देखोगे तो वाई जेड प्लेन के पैरेलल, ठीक है ना। वाई जेड प्लेन क्या होता है भाई, वाई और जेड, वाई जेड प्लेन। तो वाई जेड प्लेन यहाँ पर दो, ये वाला जो प्लेन है एक अंदर वाला, ये वाला जो अंदर वाला है, समझ रहे, ये वाला जो इनसाइड है, तो इनसाइड वाला ये वाला जो प्लेन है इनसाइड, इस प्लेन में हर एक पॉइंट एक्स की जीरो है, तो फील्ड जीरो है, तो फ्लक्स क्या है भाई, जीरो है। और सामने वाला इसी तरह से एक सामने वाला है, तो सामने वाला जो सरफेस है, ये वाला जो सामने वाला सरफेस है, ये जो सामने वाला, ये जो अपना है दैट इज द वाई जेड प्ले, ये जो सामने वाला सरफेस है, इस सामने वाले सरफेस के लिए देखोगे तो फ्लक्स बनेगा। तो इस सामने वाले सरफेस के लिए फ्लक्स बनेगा, और अगर बनेगा तो इसमें एरिया वेक्टर किधर आएगा, इधर आएगा एरिया वेक्टर, ठीक है। और अगर एरिया वेक्टर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही आएगा, तो जो फ्लक्स बनेगा उस फ्लक्स को मैं लिख सकता हूँ, फ्लक्स फाई वन इज इक्वल टू ई ए कॉस जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर एक्स की वैल्यू वन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड टू वन का स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई इसका एरिया। तो इसका एरिया अगर देखोगे तो कितना होगा भाई, तो इसका एरिया देखोगे तो टू मल्टीप्लाइड बाई थ्री होगा, मतलब टू मल्टीप्लाइड बाई थ्री दैट इज फोर, दैट इज 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, दैट इज द फ्लक्स, द इक्वेशन नंबर, ये अपना पहला जो फ्लक्स है वो निकल गया। अब यहाँ पे दूसरा फ्लक्स, फ्लक्स थ्रू द यहाँ से तुम देखोगे एक्स जेड प्लेन, तो एक्स जेड प्लेन के पैरेलल, ठीक है, तो एक्स जेड प्लेन के पैरेलल, तो एक्स जेड कौन सा है भाई, तो एक्स जेड अगर तुम देखोगे यहाँ से, तो थोड़ा सा सावधानी से इस क्वेश्चन को करना। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ एक्स जेड प्लेन, तो ये वाला देखो एक्स है और ये जेड है, तो ये इस प्लेन पे, इस वाले प्लेन पे जो ये एक्स जेड प्लेन है, तो इससे और एक इससे, ये वाला जो प्लेन है, तो इससे तुम देखोगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर जब तुम कैलकुलेट करने जाओगे तो पता चलेगा यहाँ पर तो इस वाले प्लेन पे वाई की वैल्यू तो जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एरिया वेक्टर इधर है इस वाले प्लेन के लिए, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपोजिट
अपोजिट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है निगेटिव एक्स एक्सिस में, तो यहाँ पर जो फाई फाई बनेगा उसको मैं निकाल लेता हूँ, तो थीटा इन दोनों वेक्टर के बीच 180 डिग्री बना, तो जो फाई टू की जो वैल्यू है, फाई टू की वैल्यू वो आ जाएगी ई ए कॉस 180, तो ई ए कॉस 180, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है -4 और इसका कोऑर्डिनेट वाई की वैल्यू 2 है, और को एरिया एरिया देखोगे तो यहाँ वन साइड देख लो 3 × 1 एरिया हो जाएगा 3 × 1 ये इसका, तो ये माइनस आ जाएगा और ये आ जाएगा 8 × 3, तो ये आ जाएगा -24 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, दिस इज द फाई टू। तो अब नेट फ्लक्स फाई नेट कितना हो गया, फाई नेट दोनों को जोड़ दो, फाई वन प्लस फाई टू, क्यों, क्योंकि ये वाला जो सरफेस, इसके अलावा जो सरफेस है, ये वाला जो सरफेस तुम देख रहे हो, ये वाला जो है, ये वाला सरफेस कौन सा भाई, वाई एक्स प्लेन, वाई एक्स के प्लेन पैरेलल ये वाली जो है, इसमें इस सरफेस से जो फ्लक्स है वो जीरो बनेगा भाई। क्यों जीरो बनेगा भाई, क्योंकि यहाँ पर तुम जब तुम देखोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, कांस्टेंट है जो कि एक्स की इंडिपेंडेंट है, और वो पॉजिटिव जेड एक्सिस में है, तो पॉजिटिव जेड एक्सिस में है मतलब ऊपर है, तो इससे जितनी फील्ड जा रही है, इससे जितनी इंटर करेगी ऊपर की डायरेक्शन में, ये जेड इंडिपेंडेंट है, उतना ही बाहर आ जाएगी। तो इस प्लेन से नेट फ्लक्स कितना बनेगा, तो नेट फ्लक्स जीरो बनेगा, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों को ही अब मैं जोड़ दूंगा, तो -12 + 12, इसका मतलब ये हुआ कि -12 नेट फ्लक्स आ जाएगा इसका, ठीक है। तो यहाँ से तुम देखोगे जो -12 है वो नेट फ्लक्स फाई आ जाएगा, तो नेट फ्लक्स फाई -12 है, इसको मैं कंपेयर कर दूँ, ठीक है, तो पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, तो नेट फ्लक्स -12 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट और मल्टीप्लाइड बाय, हाँ चार्ज इनक्लोज चाहिए, तो यहाँ से चार्ज इनक्लोज जो है, चार्ज इनक्लोज इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय -12, और यहाँ से तुम देखोगे क्यू की वैल्यू ये कह रहे हैं यहाँ पे दिए हुए हैं n मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो n मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई -12, ठीक है। तो यहाँ से ये कट गया सारी चीज़ें, तो जो n है n इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा, फाइनली तुम देखोगे n हमें प्योर नंबर लेना है, तो यहाँ से 12 की वैल्यू आ जाएगी, तो फाइनली ये जो यहाँ पर बच्चों जो माइनस नेट फ्लक्स माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि नेट जो फ्लक्स है वो पेनिट्रेटिंग फ्लक्स है, अंदर जाने वाली फील्ड लाइनें हैं। नेट फ्लक्स निगेटिव का मतलब होता है कि जो अंदर जाने वाली फ्लक्स फील्ड लाइनें होती हैं वो निगेटिव होती हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है वो मॉड ले लेता हूँ, समझ ना, एन की वैल्यू मॉड ले लेता हूँ, तो एन की वैल्यू जो है वो 12 आ जाएगी, तो n की वैल्यू 12 आ जाएगी, तो यहाँ मैं +12 रख दूंगा, ठीक है। दिस इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये, तो यहाँ पर मैं बेसिकली 12 रख देता हूँ, तो n की वैल्यू ये। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।